हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक परमिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी हम लोग कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उस पर हम लोग कौन कौन सी परमिशन अप्लाई करते हैं, कौन सी परमिशन किसके लिए होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और परमिशंस को सिंबॉलिक और न्यूमेरिक मेथड के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है तो उस पर कौन कौन सी परमिशंस बाय डिफॉल्ट अप्लाई होती है। देखिए दोस्तों, जब भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट यूजर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता है, यहां पर मैं रूट यूजर के द्वारा जब कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है तो उस पर बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन अप्लाई रहती है, ये देखिए दोस्तों। जब भी रूट यूजर को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट जो है ओनर यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होती है, ओनर ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन होती है और अदर यूजर को भी रीड और एग्जीक्यूट की ही परमिशन होती है। ये हमारी सिंबॉलिक मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं न्यूमेरिक मेथड में बताऊं तो जब भी रूट यूजर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस डायरेक्टरी पर 755 ये परमिशन होती है न्यूमेरिक के अंदर। अब 7 कैसे है दोस्तों, रीड राइट और एग्जीक्यूट के लिए 421 अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं, क्योंकि इस पर रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, तो हम लोग इन तीनों नंबर्स को यहां पर ऐड कर देंगे। रीड के लिए 4, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूट के लिए 1, 421 को अगर हम लोग तीनों को ऐड करते हैं तो वो नंबर आता है 7। इसी तरह ऑनर ग्रुप को जो परमिशन होती है वो होती है रीड और एग्जीक्यूट, राइट परमिशन नहीं होती है। तो रीड के लिए 4, एग्जीक्यूट के लिए 1, 4 और 1 को अगर हम लोग ऐड करें तो वो बनता है 5। इसी तरह अदर यूजर की जो परमिशन होती है डिफॉल्ट वो होती है रीड एंड एग्जीक्यूट, इसके लिए भी 5। तो दोस्तों, जब भी रूट यूजर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करेगा तो उस पर बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होती है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, यानी कि 755 परमिशन होती है। इसी तरह अब देखो दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर रूट यूजर कोई भी फाइल क्रिएट करता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन होती है, यहां पर आप देखिए परमिशन जो होती है वो रीड और राइट होती है ओनर यूजर के लिए, ओनर ग्रुप के लिए होती है रीड और अदर यूजर के लिए भी परमिशन होती है रीड, यानी कि 644 ये न्यूमेरिक परमिशन होती है या न्यूमेरिक में रिप्रेजेंट की जाती है। अब दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट यूजर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उसकी अलग परमिशन होती है। लेकिन दोस्तों, अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नॉर्मल यूजर कोई भी डायरेक्टरी और फाइल क्रिएट करता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट वो परमिशन अप्लाई नहीं होती है जो ओनर यूजर के द्वारा क्रिएट की गई फाइल और डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई होती है। अदर यूजर अगर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस पर डिफरेंट परमिशन होती है। अब वो कौन कौन सी होती है वो ये देखिए दोस्तों, रूट यूजर के अलावा अगर कोई भी अदर यूजर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन जो होती है वो रीड राइट एग्जीक्यूट होती है ओनर यूजर के लिए, ओनर ग्रुप के लिए भी रीड राइट और एग्जीक्यूट होती है
और अदर यूजर के लिए होती है रीड एंड एग्जीक्यूट, यानी कि अगर हम लोग न्यूमेरिक के अंदर इनको रिप्रेजेंट करें, सेवन यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी कि 4 2 1 को ऐड करें सेवन, ऑनर ग्रुप के लिए भी सेवन, और अदर यूजर के लिए होती है 5, यानी कि रीड और एग्जीक्यूट को 4 और 1 को ऐड करें तो 4। इसी तरह अगर नॉर्मल यूजर कोई भी फाइल क्रिएट करता है तो उस पर डिफॉल्ट परमिशन जो होती है ओनर यूजर के लिए होती है रीड और राइट, ओनर ग्रुप के लिए होती है रीड और राइट, एंड अदर यूजर के लिए होती है रीड ओनली, यानी कि 6 6 4। ये डिफॉल्ट परमिशन होती है जब कोई भी नॉर्मल यूजर फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करता है। दोस्तों ये तो जस्ट हमने अभी थ्योरेटिकल डिस्कस किया, अब अगर हम लोग इन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना चाहें तो इसके लिए मैं यहां पर टर्मिनल ओपन करता हूं और इसको प्रैक्टिकली आपको शो करता हूं। अब मैं मलिक और ये जो हमारी फाइल है यहां पर और डायरेक्टिव विशेष और मलिक नाम से इसे भी मैं रहने देता हूं, एक नई डायरेक्टिव क्रिएट करता हूं दोस्तों। तो मैं यहां पर mkdir स्पेस राजेश के नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए, और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि राजेश नाम से जो है वो डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर ls स्पेस हाइफन l करता हूं परमिशन चेक करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि राजेश नाम की जो डायरेक्टरी है वो किस टाइम पर क्रिएट की गई, किस डेट में, किस मंथ में, और इसका साइज क्या है, इस डायरेक्टरी का ओनर ग्रुप कौन है, ओनर यूजर कौन है, और इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल है। अब दोस्तों ये देखिए जरा परमिशन, जब जैसे ही रूट यूजर, अभी हम लोग यहां पर देख सकते हैं हमने रूट यूजर से लॉगिन होते हुए एक राजेश नाम से अभी एक डायरेक्टरी क्रिएट की, और उस पर आप परमिशन देख सकते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी कि ये जो तीन परमिशन है ये ओनर ग्रुप की है, अब ओनर सॉरी ओनर यूजर की परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, अब रीड और एग्जीक्यूट जो है वो ओनर ग्रुप की परमिशन है, और इस यूजर के अलावा बाकी जितने भी यूजर है उनकी ये परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट, यहां पर देख सकते हैं। चाहे तो मैं वापस आपको फाइल के अंदर रूट यूजर की डायरेक्टरी पर जो डिफॉल्ट परमिशन होती है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, ये आप देख सकते हैं, यानी कि 755। इसी तरह अगर मैं ओनर यूजर सॉरी रूट यूजर के द्वारा ही एक फाइल क्रिएट करता हूं, जैसे कि टच स्पेस यथार्थ के नाम से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, ls करके आप देख सकते हैं यहां पर यथार्थ नाम से फाइल क्रिएट हो चुकी है, ls स्पेस हाइफन l, दोबारा से परमिशन चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ओनर यूजर सॉरी रूट यूजर जब भी कोई भी डायरेक्ट फाइल क्रिएट करेगा तो उस पर डिफॉल्ट परमिशन जो होती है रीड राइट रीड एंड रीड, ये आप देख सकते हैं यहां पर। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब रूट यूजर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता है या फाइल क्रिएट करता है उन पर डिफॉल्ट यही परमिशंस अप्लाई होती है। क्लियर है दोस्तों? अब मेरे पास यहां पर एक अनदर यूजर भी है, मैं यहां पर su कमांड के द्वारा प्रीत यूजर पर स्विच करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं अभी प्रीत यूजर से लॉगिन कर गया हूं। ठीक है, चाहे तो आप whoami कमांड के द्वारा देख सकते हैं प्रीत यूजर। अब मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर चेक करूं मैं प्रीत यूजर के कोई भी फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहां पर सबसे पहले mkdir स्पेस विशु के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं ls, देखे जरा। तो यहां पर एक नॉर्मल यूजर ने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, अब ls स्पेस हाइफन l कमांड
करते हैं परमिशन को देखने के लिए। अब देखिए दोस्तों, विशो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की विशेष यूजर ने, सॉरी प्रीत यूजर ने, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड और एग्जीक्यूट, ये देखिए दोस्तों क्लियर है। चाहे तो आप वापस उसी फाइल में चलते हैं और यहां पर आकर आप लोग देख सकते हैं, आपने देखा नॉर्मल यूजर ने जब एक डायरेक्टरी क्रिएट की तो उस पर परमिशन अप्लाई हुई बाय डिफॉल्ट रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर यूजर के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर ग्रुप के लिए और अदर यूजर के लिए हुई रीड और एग्जीक्यूट। यहां पर देखा आप लोगों ने दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, प्रीत यूजर के द्वारा ही मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, टच कमांड के द्वारा एक फाइल क्रिएट करते हैं जस्ट राजू के नाम से और ls स्पेस हाइफन l के द्वारा आप इसकी भी परमिशन देखिएगा जरा, रीड राइट ओनर यूजर की परमिशन है, ओनर ग्रुप की है, रीड और राइट और ओनर सॉरी अदर यूजर की है रीड ओनली, क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस किया कि जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट यूजर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता है या फाइल क्रिएट करता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी परमिशन अप्लाई होती है, या ओनर यूजर जब भी कोई भी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस पर कौन कौन सी परमिशंस अप्लाई होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।